महापौर सीताराम जायसवाल ने उपसभापति अजय राय, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद सहित अन्य अधिकारियों ने मंगलवार को राजघाट स्थित नवनिर्मित आधुनिक अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस एवं लकड़ी दोनों विधियों से शीघ्र दाह संस्कार करने हेतु बनाए गए गैसीफायर एवं आधुनिक मशीन बॉक्स, जिसमें दाह संस्कार बिना धुआं निकले प्रदूषण मुक्त संस्कार कराने हेतु लगाए गए उपकरण को चालू कराकर देखा गया। सभी मशीनें अच्छी तरह से कार्य कर रही थीं, जिसका शीघ्र लोकार्पण कराए जाने की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिलाधिकारी के माध्यम से समय लेकर लोकार्पण कराने हेतु नगर आयुक्त मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया। साथ ही पूर्व में मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गए, जिसमें महानगरवासियों को जागरूक करने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग बोर्ड आदि लगवाने हेतु पुनर्निर्देशित किया गया। इसके अलावा शवदाह गृह जाने वाले मार्ग के सटे कुछ अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए डीएम को पत्र लिखकर अंत्येष्टि स्थल जाने हेतु रास्ते को और चौड़ा एवं सुगम रास्ता बनाया जा सके, जिससे अंत्येष्टि स्थल का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा। यहाँ राजघाट के बगल में हमारा श्मशान स्थल नगर निगम ने विकसित किया है, और यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वहां पर लकड़ी से पारंपरिक रूप से शवदाह की व्यवस्था तो है ही, साथ ही गैसी फायर यानी लकड़ी से ही जलाएंगे, लेकिन उसकी उष्मा का रिसर्कुलेट करेंगे, जिससे बहुत कम लकड़ी में ही शवदाह हो सकेगा। इन दोनों के अलावा एलपीजी गैस से भी शवदाह की व्यवस्था की गई है, और आज उसी के निरीक्षण के लिए माननीय महापौर जी के साथ हम सभी लोग नगर निगम की टीम गई थी, और उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके देखा गया। वो उसका संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है, और बहुत जल्दी ही ये आम पब्लिक के लिए लोकार्पित किया जाएगा। ये इस पे क्या कोई एक विवाद हुआ था, कोई क्या कोई शुल्क वगैरह की भी व्यवस्था है? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था। वहां के हम ये चाहते हैं कि वहां आने वाले व्यक्तियों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिले, उसको किसी प्रकार यहाँ वहां भटकना न पड़े, क्योंकि किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी घनिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे ही व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो कम से कम उसकी अंत्येष्टि के लिए, अंतिम क्रिया के लिए उसको परेशान न होना पड़े, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना चाहते थे, जिसमें उसका डेथ का रजिस्ट्रेशन श्मशान घाट पर कि उसका अंत्येष्टि यहाँ की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ अगर कोई चाहता है तो अंत्येष्टि में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे लकड़ी और अन्य चीजें भी उसको उपलब्ध हो सके, इस पर विचार किया जा रहा है, और एक मिनिमम कॉस्ट पर, मिनिमम यूजर चार्ज पर वो चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, और इसको कंपलसरी नहीं रखा जाएगा, आवश्यक नहीं रखा जाएगा, अनिवार्य नहीं रहेगी। जिस किसी को चाहिए उसको हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यदि किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ सुविधा उसे नहीं चाहिए, वो अपनी व्यवस्था कर सकता है, तो वो स्वतंत्र रहेगा। इस तरह के विचार चल रहे हैं, और ये बोर्ड की बैठक में रखकर और माननीय महापौर जी से अनुमति रखकर ही इस पर आगे बढ़ेंगे, और कोई व्यवस्था होगी तो आपको पता लग जाएगा। उसका चार्ज लिया जाएगा क्या दाह संस्कार करने के लिए? जी नहीं, दाह संस्कार करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि परंपरागत रूप से भी आप अगर अंत्येष्टि क्रिया कहीं करते हैं तो लकड़ी का खर्चा होता है,
अगर जो नई व्यवस्था हम दे रहे हैं पर्यावरण के अनुकूल गैसीफायर की व्यवस्था दे रहे हैं जिससे पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, उसमें स्क्रबर लगाए गए हैं कि धुआं भी जो उठे वो भी कार्बन कण उसके पहले ही डिपॉजिट कर लिए जाए, मतलब कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो गैसीफायर में अगर सौदा होता है तो जो गैस जितनी लगेगी उसका चार्ज तो देना पड़ेगा जो इसको प्रयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी का चार्ज पहले से देते हैं।